अलिश पे तुम ये क्या लगी हुई हो, छोड़ो भी इसे। हलाइबा ये देखो मैंने फूल बनाया, कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। तुमने भी ना इन फूलों में बिल्कुल अपनी तरह के रंग भरे, फीके और अजीब से। फूफू जी ने मुझे यही रंग ला कर दिए थे। फूफू जी की तो खुद भी जिंदगी बेरंग है और वो हमारी भी ऐसे ही कर देंगी। भाई फूलों के रंग तो गहरे अच्छे लगते हैं, जैसे कि नीले, गुलाबी, लाल, ये भी कोई रंग है। और अलिश्बा वैसे भी जिंदगी में रंग अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो फूलों के हों, खुशी के या मोहब्बत के। यार बाप तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। ओफो अलिश्बा क्या करूंगी मैं तुम्हारा, बहुत ही बोरिंग हूं तुम। नसीमा जी, अरे अपने हाथ दिखाओ, इतनी खूबसूरत मेहंदी, कितनी प्यारी लग रही है। अलिश्बा ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है ये तो। वो जी मेरी छोटी बहन की शादी थी ना, मैंने खुद लगाई है ये मेहंदी, आपको अच्छी लगी? बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पता है नसीमा, मेरा तो दिल करता है कि मैं भी इसी तरह अपने दोनों हाथों पे, पैरों पे मेहंदी लगवाऊं। ये क्या मुश्किल काम है लाइवा बेबी, कल मैं ऐसा करूंगी अपने घर से मेहंदी ले आऊंगी, फिर मैं आपके हाथों में खुद लगाऊंगी मेहंदी। तुम लगा दोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कौन लगा रहा है मेहंदी? फूफू जी देखे ना नसीमा के हाथों में कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, ये कह रही है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा कोन है, कल लेकर आएगी और मुझे भी लगा देगी। कोई जरूरत नहीं है, मेहंदी सिर्फ शादियों पे अच्छी लगती है, समझ आ गई तुम्हारे? फूफू लेकिन हमारे यहाँ तो शादियां होती ही नहीं है, ना आपकी हुई और ना ही शायद हमारी होगी। मेरे खानदान में मेरे जोड़ का कोई लड़का था ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और वैसे भी मैंने इस खानदान की इज्जत की खातिर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। इस बात को तुम दोनों अच्छे तरीके से समझ जाओ। फूफू लेकिन मेहंदी तो लगा सकती हूँ ना। एक बात को एक दफा में समझ लिया करो, बहस मत किया करो। अब बस करो ना सफाई, जाओ जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी ठीक है बेगम साहिबा। कहां तक बनाया दिखाओ। सीख गई हो।